गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर गुड. स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न पेज नंबर 25. पेज नंबर 25, रियल नंबर. ओके, प्रैक्टिस सेट 2.2. प्रैक्टिस सेट 2.2. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन हियर. फर्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट 4√2. शो दैट 4√2 इज एन irrational number. So we have to show here 4√2 is an irrational number. Okay, so हमें क्या show करना है? We have to show here 4√2 is an irrational number here. Okay, so first we will take here, let us suppose. Okay, first we will suppose here 4√2. Okay, first we will suppose here 4√2 is not a irrational number. First we will suppose here it is not a irrational number. Okay, now therefore 4√2, it is not a irrational number. So what is it? It is a rational number. Okay, if it is not a rational number, irrational number, so it is a rational number. अगर ये irrational number नहीं है तो क्या है? ये rational number है. Okay, so here 4√2. Okay, 4√2 क्या हो जाएगा? Equal हो जाएगा p by q के. 4√2 is equal to p by q. Why? Because it is constant or constant form p by q. P by q kya hai? Iski constant form hai. Okay, now we will write here root 2 as it is and p by q. So we can see here 4 is in multiplication position. So we will write 4 here and 4 कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे division में आ जाएगा. Okay, यहाँ पे multiplication position में है तो वो यहाँ आएगा तो division में हो जाएगा. Okay, now √2 equal to क्या हो गया? 4 by 4, p by 4 q. Okay, so क्या हो जाएगा? ये दोनों क्या हो जाएंगे? But क्या होता है? It is not possible to left hand side और राइट हैंड साइड आर इक्वल टू ईच अदर. ओके, इट इज नॉट पॉसिबल. ये पॉसिबल नहीं होता है कि ये दोनों इक्वल हो. सो क्या हो जाएगा? वी विल राइट हियर LHS. LHS मींस लेफ्ट हैंड साइड. ओके, LHS दैट इज क्या है? LHS मींस √2. दैट इज √2 is an irrational number and RHS means p by 4q. Okay, RHS that is p 4q. Okay, rational number. Okay, but it is not possible to rational number and rational number are equal to. Okay, so अगर ये equal नहीं है तो क्या हो जाएगा? So this is क्या हो जाएगा? Contradiction.
कॉन्ट्रेडिक्टरी 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 अवर अज्यूम्पशन कॉन्ट्रेडिक्टरी टू ओके रिलेटेड टू अवर अज्यूम्पशन ओके मीन्स कॉन्ट्रेडिक्टरी मीन्स अपोजिट में है ये ना सो दिस इज कॉन्ट्रोडिक्टरी टू अवर अज्यूम्पशन हमारे अज्यूम्पशन से अपोजिट है ये ओके क्लियर सो वी विल राइट हियर देयरफॉर फोर रूट टू इज एन इरेशनल नंबर क्लियर सो दिस इज क्वेश्चन नंबर वन ओके क्वेश्चन नंबर वन ये है नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज योर होमवर्क इट इज वेरी इजी एज इट इज ही है क्वेश्चन नंबर टू इसमें फोर रूट टू है तो क्वेश्चन नंबर टू में थ्री प्लस रूट फाइव है ओके नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर थ्री यू कैन राइट दिस क्वेश्चन ऑन योर नोटबुक Now we will do question number 2. Question number 3. Question number 3 is represent the number root 5 and root 10. Root 5 and root 10 on number line. On a number line. Clear? So represent root 2 and root 10 on this number line. So first we will draw number line and we can see here root 5 and root 10 it is a positive number. So positive number always comes right hand side and negative number always comes in on this number line in left hand side. So first we will write here 0, 1, 2, 3. ओके नाउ वी कैन सी हियर रूट फाइव है यहाँ पे रूट फाइव कोई किसी भी चीज़ का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है रूट फाइव सो वी विल हम क्या लेंगे वी विल टेक रूट फाइव से हम छोटा लेंगे ओके रूट फाइव से छोटा मीन्स रूट फोर ओके रूट फोर का स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर होता है टू ओके रूट फोर का परफेक्ट स्क्वायर होता है टू सो टू है यहाँ पर तो हम लेंगे टू ओके फर्स्ट वी विल First, we will draw here perpendicular line. Okay, first we will draw here perpendicular line like this. Clear? And we will take this gap on 2 cm. 2 cm हमने ये gaps लिए हैं. Okay, जो gaps हैं ना ये 2 cm लेना है हमको. Okay? विद द हेल्प ऑफ अवर स्केल 2 cm की गैप्स हमको लेना है ओके इसके इसकी हेल्प से हमको 2 cm की गैप लेना है नाउ वी विल ओपन अवर राउंडर नाउ वी विल ओपन अवर राउंडर एंड पुट अवर राउंडर ऑन दिस स्केल एंड हमको यहाँ पर इसको 2 cm लेना है हमको यहाँ पे गैप भी 2 cm लेना है एंड राउंड को भी हम ओपन करेंगे 2 cm क्लियर नाउ वी विल पुट अवर राउंडर हियर एंड वी विल ड्रॉ अ आर्क लाइक दिस ओके 2 cm ही हमको लेना है एंड 2 cm हमको आर्क इसको करना है ओके नाउ वी विल ड्रॉ अ लाइन 0 to this point okay now we will open our rounder put our rounder on number 0 and we will draw a arc like this clear humko apna rounder yahan rakhna hai and we will draw arc like this okay step se hamara jo arc banega okay to this is root 5 this is root 5 clear now we will
अभी क्या हुआ है, नाउ वी विल टेक रूट 10 ऑन नंबर लाइन. ओके सो रूट 10 इट इज नॉट अ परफेक्ट, मतलब रूट 10 का भी परफेक्ट स्क्वायर कुछ भी नहीं है, तो वी विल टेक रूट 9. सो रूट 9 का परफेक्ट स्क्वायर है 3. ओके सो वी विल टेक 3. नाउ वी विल ओपन, नाउ वी विल ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन. ओके लाइक दिस, and we will open our rounder 2 cm, open our rounder 2 cm. Now we will draw like this. Okay, clear? And we will put our rounder on 0 position and we will draw our like this, clear? So this is root 10, this is root 10, clear? Okay. So now we will go our question number 4. Now we will go our question number 4. Question number 4 is write any 3 rational number between the 2 number given below. So here we have given 0.3 and -0.5. Okay, so we have to write 3 rational number between on this number. Okay, हमको इन दोनों के नंबर के बीच के 3 rational numbers को लिखना है. So हम लिखते हैं -0.5 से हम वो करते हैं, तो -0.4, -0.3, -0.2. Okay, हमको 3 ही लिखना है, तो ये लिखे हैं मैंने. Okay, now second number है इसी का -2.3 and -2.33. So we will take here -2.3, तो -2.3 and 0 0 आ जाएगा, 3 के आगे मतलब कुछ नहीं है, तो 0 0. Now -2.3, 0 1. Now -2.302. Okay, so this is rational number between on this number. Okay, now your homework is question number 2 is your homework, and question number 4 ka 3rd and 4th is your homework. Okay, so in our next video we will do our next part in this chapter. Thank you so much.